महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक संग्राम। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं। पाटिल ने कहा सीएम को अपनी जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। पाटिल के बयान पर आदित्य ठाकरे का बयान, सीएम की तबीयत ठीक है, कल भी कैबिनेट की बैठक हुई। पाटिल के बयान पर संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अभी अभी मेरे उद्धव जी से बात चल रही है ये विषय पर, कौन है चंद्रकांत पाटिल भाई, ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। आज संसद के शीत सत्र का अंतिम दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा राज्यसभा। निलंबित सांसदों का आज भी धरना जारी रहा, विरोध जताते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चीन की घुसपैठ, महंगाई, पेगासस, अजय मिश्र की बर्खास्तगी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थी सरकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा ओमिक्रॉन, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हुई है चर्चा। वेंकैया नायडू ने कहा इससे अच्छे प्रदर्शन की थी उम्मीद, सब विचार करें कहां किससे क्या हुई गलती। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा शीत सत्र में 11 बिल पास हुए। शीत सत्र के दौरान पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई बैठक, सोनिया ने सांसदों के साथ चर्चा की। पीएम की अगवानी के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों पर, कल काशी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम रखेंगे बनारस डेयरी संकुल के आधारशिला, करीब 20 लाख लोगों को बांटेंगे घर। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी मुहिम को और धारदार बनाएंगे, 24 दिसंबर को यूपी जाएंगे अमित शाह, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह के संकेत, हरीश रावत का ट्वीट, संगठन सहयोग की जगह मुंह फेर कर खड़ा, जिनके आदेश पर तैनात है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध दिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा की जम्मू में रैली, देश में हजारों जिन्ना सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं कहा। महबूबा का बीजेपी पर बड़ा हमला, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ने वाले क्या सिखाएंगे देशभक्ति। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने कहा 4 साल से सोए थे कैप्टन, माफियाओं पर नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के मंत्री बलदेव सिंह ओखला का मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान, खाने पीने और बच्चों के जन्म को लेकर की टिप्पणी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर, पीएम ने कल बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। लखनऊ में कोरोना को लेकर योगी की बैठक, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 216। आंध्र में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि, 45 यात्रियों और 9 संपर्क में आने वालों की रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले, 62 साल के एक बुजुर्ग भी इसमें शामिल। नए साल के जश्न में प्रतिबंधों का खलल होगा, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट कर दिया। केंद्र का निर्देश नए ओमिक्रॉन को रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत हो तो लगाएं नाइट कर्फ्यू। धीरे धीरे हमारे देश में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ओडिशा जम्मू कश्मीर में सामने आया पहला मामला। महाराष्ट्र में 11 नए केस मिले, 65 लोग अब तक संक्रमित। दिल्ली में अब तक 57 मामले हो चुके हैं, विदेश से आने वाले ज्यादातर दुबई के यात्री। तेलंगाना में कुल 4 नए केस, मरीजों की तादाद 24। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 220, 14 राज्य चपेट में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैज्ञानिकों ने अगले साल फरवरी में तीसरी लहर की जताई आशंका। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले प्रतिबंध, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। सामूहिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, पब, क्लब्स, डांस, डीजे की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता से ज्यादा पर प्रतिबंध, सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट, वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी।
डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। ओमिक्रॉन के खतरे पर लोगों ने रद्द की घर के बाहर जश्न मनाने की योजना, होटल्स में लगातार कैंसिल हो रही हैं बुकिंग्स। बंगाल में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस नए साल के जश्न पर नहीं लगेगा कोई भी प्रतिबंध। देश में कोरोना के नए मामले 6300 से ज्यादा, एक दिन में 18% केस बढ़े। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले, सभी अस्पताल में भर्ती। केरल में बाहर से आने वाले पॉजिटिव मरीजों की जीनोमिंग सीक्वेंसिंग, विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटीन। हैदराबाद में कैंसर स्पेशलिस्ट ओमिक्रॉन की चपेट में, स्थानीय संक्रमण का पहला मामला। जिले के विकासपुरी में ओमिक्रॉन का मरीज मिला, घर को सील किया गया। संपर्क में आने वाले 50 लोगों का टेस्ट हुआ, परिणाम आना बाकी। शराबबंदी के बीच गोपालगंज में दिखा जब दृश्य, बोलेरो में शराब की सरेआम लूट। साइकिल सवार से टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी में शराब की पेटियां रखी हुई थी। मौका मिलते ही शराब लूटने की होड़ मच गई, पुलिस के पहुंचने तक खाली हो गई थी गाड़ी। पुलिस ने शराब तस्कर समेत 8 को गिरफ्तार किया, वीडियो वायरल। तेजस्वी का डी 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता। मुजफ्फरपुर में शराब के ठिकानों पर छापे, पुलिस का विशेष अभियान। नए साल की बाड़ी में शराब के इस्तेमाल की आशंका, दियारा इलाके में तलाश। शहर के लखीसराय में रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी गाड़ी, ट्रेन के साथ हुई टक्कर। टक्कर से पहले गाड़ी से निकल गए सवार, हादसे के कारण 2 घंटे तक ट्रेन की आवाजाही बंद। अयोध्या के बैशिंग गौशाला के 4 ठेकेदारों ने आत्मदाह की धमकी दी, नगर निगम पर 1,47,00,000 नहीं मिलने से परेशान। इंदौर में व्यापारियों का विरोध, कल शाम 7 बजे से 20 मिनट के लिए करेंगे ब्लैकआउट। कपड़ों जूतों पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध, केंद्र ने 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। व्यापारियों ने कहा उनके विरोध को जनता का भी समर्थन, जीएसटी बढ़ने से और बढ़ेगी महंगाई। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी के बाहर दिया धरना। लुधियाना में भी किसानों का प्रदर्शन, जिलाधिकारी के दफ्तर को बंद करा दिया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का न्यूनतम तापमान। पंजाब हरियाणा पर शीतलहरी का शिकंजा, हिमाचल में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 2 दिन से 6 डिग्री के करीब लखनऊ का तापमान। लखनऊ में जानवरों को ठंड से बचाने की कवायद, जू में लगाए गए हीटर। कड़ाके की ठंड के चपेट में ओडिशा, 3.5 तक तापमान लुढ़का। ठंड के कारण मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल का समय बदला, सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे अब कोई भी स्कूल। फरीदपुर की जेल में तलाशी, 12 मोबाइल 11 सिम जब्त। इंदौर में शराब की दुकान पर बंदूक साफ करते समय गोली चली, एक की मौत। फतेहाबाद में 2 भाइयों का झगड़ा, निपटाने गई पुलिस के साथ मारपीट, 2 पुलिस वाले घायल। जयपुर में बीमे के पैसा हड़पने के लिए जबरन ऑपरेशन का आरोप, पीड़ित ने लगाया आरोप। बंगाल के नादिया में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, मामला अवैध संबंध का, पति गिरफ्तार। फतेहाबाद में स्कूल में बच्चे को चोट लगने पर मां ने टीचर को मारा चांटा, पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज। हिसार के कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। महाराज के बारामती में बैल चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, 3 गिरफ्तार। कोटा में 11 साल के नाबालिग का अपहरण के बाद रेप, पड़ोसी ऑटो ड्राइवर पर केस। झालावाड़ में पशु अस्पताल में चोरी, पुलिस ने 1 को गिरफ्तार किया। वैशाली में एक शख्स की गला काट कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में बदमाशों के घर पर पुलिस की दबिश, कई बदमाश फरार।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भाई ने भाई को मार डाला, पुलिस को शिकायत का इंतजार। अलीगढ़ जेल में बंद हत्या के आरोप में युवक ने की आत्महत्या, सेप्टिक टैंक में कूद गया। ग्वालियर में एक्टिवा पर जा रही दो बहनों को डंपर ने कुचला, एक की मौत एक घायल। ग्वालियर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया प्रोफेसर, थीसिस पास कराने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप। फरुखाबाद में महिला की मौत पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप। शिमला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 3 घायल। एसएफआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों की हेरोइन जब्त, युगांडा की महिला तस्कर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में थाने में दारोगा की महिला के साथ बदसलूकी, दारोगा का गाली देने वाला वीडियो वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया दारोगा को लाइन हाजिर। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमा पर बीएसएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़, एक की मौत, बीएसएफ के 2 जवान घायल। मध्य प्रदेश के गुना में बंदरों का आतंक, घर से महिलाओं बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल। अहमदाबाद में बन रहा पुल गिरा, किसी घायल होने की खबर नहीं। समस्तीपुर में ऑटो ट्रक की टक्कर, 3 की मौत। अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार पिता पुत्री को ट्रक ने मारी टक्कर, बेटी की मौत, पिता की स्थिति गंभीर। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा, कई घंटे तक सड़क जाम की। वाशिम में ज्वेलरी दुकान के मालिक और उसके नौकर पर बंदूक और चाकू से हमला, नौकर की मौत। ओमिक्रॉन के बीच ब्रिटेन पर क्रिसमस का खुमार, बाजारों में खरीदारों की भीड़। फ्रांस में पहले मोबाइल फोन के मैसेज की 1,20,000 डॉलर में नीलामी हुई, 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था पहला मैसेज। इटली के सिसली में फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट बनाने में 3 गिरफ्तार। मलेशिया में बाढ़ से तबाही, पशुओं की जान बचाने में जुटे राहत कर्मी। 375 के पार पहुंचा फिलीपींस में, राई तूफान से मरने वालों का आंकड़ा।